हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास GTA 5 में रॉक स्टार गेम में ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप ई प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। फिर आपको सी ड्राइव को ओपन करना है। प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर को आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है रॉकस्टार गेम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल क्लब। तो यहाँ पर आपको इस फोल्डर को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देना है। ओके, इस तरीके से आप इसको डिलीट कीजिए। फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक और कमेंड टाइप करना है। इस तरीके से आपको टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है रॉकस्टार। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं रॉकस्टार ऐप यहां पर शो हो गया है। आप इसको राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहां पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर रॉकस्टार गेम एप्लीकेशन को जो है आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। आप इस पर चेक कीजिए, रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और बॉक्स में आपको चेक करना है, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।